गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब की सीरीज़ चलाते हैं, जहाँ पे जो हम वोकैब सीखते हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि IBPS PO की एग्ज़ाम भी अब सामने है और उसमें इन सारे जितने भी बैंक के प्री वाले एग्ज़ाम हैं जिनमें 20-20 मिनट का स्लॉट होता है, तो इसमें इंग्लिश जो है बहुत ही बड़ा और अच्छा रोल प्ले करता है कि 20 मिनट बहुत होता है इंग्लिश बनाने के लिए। अगर आप उस 20 मिनट को वेस्ट करते हैं तो आप बहुत लॉस में जाओगे, और उस 20 मिनट में अच्छा से अच्छा स्कोर करते हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी फर्स्ट वोकैब है फ्रेंड्स, वो है डिबैकल। डिबैकल एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है सर्वनाश या असफलता, यानी कि किसी भी चीज़ का सफल ना होना, अनसक्सेसफुल होना। जैसे कि अभी हमारे चंद्रयान 2 में ऐसा कुछ हुआ था। तो सिनोनिम है दोस्तों वेलोपिंग एंड फियास्को। दोस्तों वेलोपिंग एंड फियास्को दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों को ध्यान में ज़रूर रखें। और ट्रिक है, डिफ़ीट और डिबेकल दोनों सेम है। यानी दोस्तों डिफ़ीट हम सभी जानते हैं, डिफ़ीट की मीनिंग होती है हार, और डिबेकल की मीनिंग भी असफलता होती है। तो दोनों सेम है, डिफ़ीट एंड डिबेकल दोनों सेम है, दोनों की मीनिंग असफलता, हार होती है और सर्वनाश भी होती है। लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड वोकैब। आज की जो मैं सेकेंड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है टेंटलाइज। टेंटलाइज एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है तरसाना या यातनाएं देना, और सिनोनिम है दोस्तों टॉर्मेंट एंड बैफल। तो दोस्तों आई थिंक मैंने बैफल और टॉर्मेंट दोनों ही पहले भी आपके प्रीवियस वीडियोज़ में कराया होगा, और अगर नहीं कराया तो इन फ्यूचर करवा दूँगी, लेकिन आई थिंक हुआ है बैफल, तो एटलीस्ट हुआ होगा। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि टॉर्मेंट एंड बैफल दोनों ही अपने ध्यान में जरूर रखिए। और ट्रिक है दोस्तों, 10 के बाद काउंटिंग बच्चों के लिए टेंटलाइजिंग हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों को काउंट करते हुए, तो वो 1 से लेकर 10 तक तो ठीक काउंट करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि उन्हें काउंटिंग करने में ट्रॉबल आने लगती है, परेशानी आने लगती है। क्यों आने लगती है कि होता क्या है, वो 1 और 2 देखते हैं तो सोचते हैं कि 12 है या 21 है ना। तो इसलिए मैंने 10 से टेंटलाइजिंग को रिलेट किया है कि 10 के बाद काउंटिंग बच्चों के लिए टेंटलाइजिंग हो जाता है, यानी कि थोड़ा यातनाएं देने वाला हो जाता है, ट्रॉबलिंग हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड वोकैब। आज की जो माय थर्ड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है हार्बर। हार्बर एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है शरण देना, और सिनोनिम में दोस्तों एसाइलम एंड रिफ्यूज़। यहाँ पे दोस्तों रिफ्यूज़ की स्पेलिंग ना थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये रिफ्यूज़ जो है ना मना करने वाला रिफ्यूज़ गलती से प्रिंट हो गया है। यहाँ पे होगा REFUGE रिफ्यूज़। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं है, रिफ्यूज है। रिफ्यूज़ की मीनिंग होती है शरण देना, और रेफ्यूजी की मीनिंग होती है शरण लेना। और एसाइलम जो है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हार्बर की मीनिंग मैं बता चुकी हूँ कि शरण देना। और ठीक है दोस्तों, हर बार इंडिया में हार्बर मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों वैसे तो इंडिया जो है एक लिबरल कंट्री है, यहाँ पे सबके लिए वेलकम होता है, लेकिन हर बार इंडिया में हार्बर मिल जाए, शरण मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि इंडिया की तो खुद की भी इतनी पॉपुलेशन है और बहुत सारे पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं। सो हर बार को मैंने हार्वर्ड से रिलेट किया कि हर बार इंडिया में असाइलम मिल जाए, हार्बर मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ वोकैब। आज की जो हमारी फोर्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है काम चोर, एंड आई थिंक ये वर्ड मैंने आपको पहले कराया होगा, तो एक बार फिर से आपका रिविज़न हो जाएगा। और सिनोनिम है दोस्तों लेज़ी एंड हुकी। यहाँ पे दोस्तों हुकी की स्पेलिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, हुकी की स्पेलिंग होगी HOOKY हुकी। और ट्रिक है दोस्तों, तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रॉन्ट लोग, यानी कि तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कामचोर लोग, है ना दोस्तों। ऐसा अक्सर देखते हो ना कि जो कामचोर होंगे उन्हें आप काम बोलो तुरंत वो जो है कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ रेडी रखते हैं। तो यहाँ पे तुरंत को मैंने ट्रॉन्ट से रिलेट किया है कि तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रॉन्ट लोग। लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ वोकैब। आज की जो हमारी फिफ्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है होमिली। होमिली एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है उपदेश, और सिनोनिम है दोस्तों डॉक्ट्रिन एंड सरमन। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्ट्रिन जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन की मीनिंग ये भी होती है सिद्धांत या फिर नियम, ये भी होती है। और ट्रिक है दोस्तों, होम में नहीं, अक्सर होम छोड़ने के बाद होमली देते हैं संत। तो दोस्तों ऐसा ही होता है ना, संत जो होते हैं अक्सर जब तक घर पे रहते हैं, अपने होम पे रहते हैं, तब तक तो वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन घर छोड़ने के बाद वो संत बन जाते हैं, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुत सारे संतों के बारे में हमने पढ़ा है। तो होम छोड़ने के बाद ही होमली देते हैं, है ना संत, यानी कि उपदेश देते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सिक्स्थ वोकैब।
आज की जो मैं 6th वोकैब है फ्रेंड्स, वो है एक एडजेक्टिव जिसकी मीनिंग होती है अनिच्छुक। दोस्तों आज के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज के हमारे PDF में थोड़ी सी मिसप्रिंट ज़्यादा हो गई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई प्रोमिस कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो रिलेक्टेंट की मीनिंग होती है अनिच्छुक, यहाँ गलती से अति इच्छुक लिखा गया है, उल्टा हो गया है, लिखना था अनिच्छुक यानी कि अनविलिंग, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए करने की इच्छा नहीं रखते हो। और सिनोनिम में दोस्तों लॉथ एंड अनविलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे लॉथ जो है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक है दोस्तों, बारिश के मौसम में टेंट में रहने में हर कोई रिलेक्टेंट होते हैं, यानी कि बारिश के मौसम में टेंट में रहना किसे पसंद आएगा, हर कोई नहीं रहना चाहेगा, है ना दोस्तों, क्योंकि टेंट में रहने से बारिश के दिन में आप देखो कि बारिश के दिन में क्या होती है कि बारिश हो रही है, पूरा गंदा सब कुछ रहता है, तो फिर आप उस सिचुएशन में कोई भी टेंट में रहना नहीं चाहेगा। तो इसलिए ट्रिक है दोस्तों कि बारिश के मौसम में टेंट में रहने में हर कोई रिलेक्टेंट होता है, यानी कि अनिच्छुक होता है। लेट्स मूव ऑन टू अ 7th वोकैब। आज की जो हमारी 7th वोकैब है दोस्तों, वो है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है तात्कालिक या बिना तैयारी के, यानी कि कोई काम आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, आप बिना सोचे समझे कर ले रहे हो, तुरंत कर ले रहे हो। और सिनोनिम है दोस्तों स्पॉन्टेनियस और ऑफ हैंड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ हैंड जो और स्पॉन्टेनियस दोनों ही अच्छे वर्ड्स हैं। और ट्रिक है प्रॉपरली तैयार हुए बिना कोई काम करना है, मतलब इम्प्रॉम्प्टू काम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इम्प्रॉम्प्टू को प्रॉपरली से रिलेट किया है कि कोई भी काम की तैयारी आप अगर प्रॉपरली नहीं किए हैं और उस काम को स्टार्ट कर दिए हो तो क्या है, ये इम्प्रॉम्प्टू ही तो है ना, बिना तैयारी के किया हुआ काम है, तात्कालिक किया हुआ काम है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी 8th वोकैब है फ्रेंड्स, वो है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है छिपा हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। और सिनोनिम है दोस्तों सरप्टिशियस एंड कॉवर्ड। और सिनोनिम भी जो है सरप्टिशियस एंड कॉवर्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर माइंड में रखें। और ट्रिक है दोस्तों, क्लेवर लोग आसानी से क्लैंडेस्टाइन हो पाते हैं, यानी कि क्लेवर लोग जो है आसानी से छिप पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, जो क्लेवर होते हैं वही तो आसानी से छिप पाते हैं, क्लैंडेस्टाइन कर पाते हैं। जैसे कि अब देखिए विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये लोग क्लेवर ही थे ना, तभी तो आसानी से है अपने, उन्होंने पेमेंट भी लिया, पैसे भी लिए और अब छिप भी गए हैं, और हमारे लिए उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फ्रेज। आज की जो हमारी फ्रेज है फ्रेंड्स, वो है अ डैम्प स्क्विब, जिसकी मीनिंग होती है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि उत्साहहीन परिणाम। और ट्रिक है दोस्तों, डैम्प, डैम्प की मीनिंग दोस्तों उत्साहहीन भी होती है। तो डैम्प रिजल्ट जो होता है वो डैम्प स्क्विब होता है। तो दोस्तों डैम्प रिजल्ट को मैंने डैम्प स्क्विब से रिलेट किया कि उत्साहहीन रिजल्ट ही तो डैम्प स्क्विब है ना। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट फ्रेज। आज की जो हमारी नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों, वो है गो टू द डॉग्स, यानी कि रूइन या और टू गो टू इन वेरी बैड सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति को बिगाड़ लेना, बर्बाद कर लेना। और ट्रिक है दोस्तों, खुद से डॉग के पास जाएंगे तो परिस्थितियाँ तो बिगड़ेंगी ही। तो दोस्तों आप खुद से ही अगर डॉग के पास चले जाओगे, अगर किन्हीं ने उसे पेट ऐसे पेट रखा हुआ और आप खुद ही उसके पास जाओगे तो स्ट्रेंजर तो वो तो आपको दौड़ाएगा ही, छोड़ेगा थोड़े, है ना। तो ट्रिक यही है दोस्तों कि खुद से जाएंगे, गो टू द डॉग्स यानी कि डॉग के पास जाना, और खुद से डॉग के पास जाएंगे तो परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वोकैब एंड फ्रेजेस हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। आज की जो हमारी लास्ट फ्रेज थी दोस्तों, वो थी गो टू द डॉग्स, जिसकी मीनिंग थी परिस्थितियों को बिगाड़ना, और ट्रिक था खुद से डॉग के पास जाएंगे तो परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी। आज की जो हमारी 9th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी अ डैम्प स्क्विब, जिसकी मीनिंग थी उत्साहहीन परिणाम, और ट्रिक थी डैम्प यानी कि उत्साहहीन रिजल्ट होना, अ डैम्प स्क्विब होता है। आज की जो हमारी 8th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है छुपा हुआ। और सिनोनिम थी दोस्तों सरप्टिशियस एंड कवर्ड। और ट्रिक थी दोस्तों, क्लेवर लोग आसानी से क्लैंडेस्टाइन हो पाते हैं, यानी कि क्लेवर लोग आसानी से छिप पाते हैं। आज की जो हमारी 7th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू की मीनिंग थी तात्कालिक या बिना तैयारी के, और ट्रिक थी प्रॉपरली तैयार हुए बिना कोई काम कर रहे, मतलब इम्प्रॉम्प्टू है यानी कि बिना तैयारी के। आज की जो हमारी 6th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी रिलक्टेंट, जिसकी मीनिंग होती थी अनिच्छुक। और ट्रिक थी दोस्तों, बारिश के मौसम में टेंट में रहने में हर कोई रिलक्टेंट होता है, यानी कि बारिश के मौसम में हर कोई टेंट में रहना नहीं चाहता, अनिच्छुक होता है। आज की जो हमारी 5th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी होमिली। होमिली की मीनिंग थी उपदेश, और ट्रिक थी होम में नहीं, अक्सर होम छोड़ने के बाद ही होमिली देते हैं संत। तो होमिली यानी कि उपदेश जो है, संत जो है होम छोड़ने के बाद, यानी कि घर छोड़ने के बाद देते हैं। आज की जो हमारी 4th वोकैब थी फ्रेंड्स, वो थी ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट की मीनिंग थी कामचोर,
और ट्रिक थी, तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रॉन्ट लोग, यानी कि तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं जो कामचोर होते हैं। आज की जो हमारी थर्ड वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी हार्बर। हार्बर की मीनिंग थी शरण देना, और ट्रिक थी हर बार इंडिया में हार्बर मिले ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि हर बार इंडिया में शरण मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आज की जो हमारी सेकंड वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी टेंटलाइज। टेंटलाइज की मीनिंग थी तरसाना या यातनाएँ देना, और ट्रिक थी 10 के बाद काउंटिंग बच्चों के लिए टेंटलाइजिंग हो जाती है, यानी कि परेशान करने वाली हो जाती है, ट्रॉबलिंग हो जाती है। आज की जो हमारी फर्स्ट वन वो कैप थी फ्रेंड्स, वो थी डिबैकल, जिसकी मीनिंग थी सर्वनाश या असफलता, और ट्रिक थी डिफीट और डिबैकल दोनों सेम है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप सभी से कहना फिर से चाहूँगी कि अगर हमारा वीडियो सीरीज पसंद आता है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।